तो जवाब अयोध्या की जनता ने भी दिया है, और सिर्फ अयोध्या में नहीं भाइयों और बहनों, सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती, तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। मैं ये बात अहंकार से नहीं कह रहा हूं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की जनता ने मैसेज दिया है, ये आपकी जो राजनीति है हमें अच्छी नहीं लगी, हम इसके खिलाफ हैं, हम नफरत के खिलाफ हैं, हम हिंसा के खिलाफ हैं, हम मोहब्बत का देश चाहते हैं, हम प्रगति चाहते हैं, हम बेरोजगारी के खिलाफ हैं। आपने 10 साल इस देश में बेरोजगारी फैलाई, नफरत फैलाई, हिंसा फैलाई, और हिंदुस्तान की जनता ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को जवाब दिया है। और शुरुआत आपके दिल में हुई थी, तो बदलाव आप लाए हैं, तो दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आने वाले समय में मैं चाहता हूं कि जो सच्चे मुद्दे हैं देश के सामने, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, मजदूरों का मुद्दा, ये मुद्दे उठाए जाएं और गरीबों की मदद करने की पॉलिटिक्स हो, राजनीति हो। अग्निवीर, अब भैया मैं आपको बता रहा हूं, अब हमारे पास पार्लियामेंट हाउस में सेना बैठी हुई है। इस बार हमारी पूरी कोशिश होगी, ऑपोजिशन में बैठे हैं मगर अग्निवीर को ऑपोजिशन में रद्द करने की कोशिश करेंगे। तो आपने हमें इतनी शक्ति दी, और ये आपने राजनीतिक डिसीजन नहीं लिया है, ये आपने जो वोट दिया है और रायबरेली के हर एक व्यक्ति ने जो दिया है, ये राजनीतिक डिसीजन नहीं था, ये मोहब्बत का डिसीजन था, और इस बात को मैं जिंदगी भर नहीं भूलने वाला हूं। अमेठी की जनता से भी कहना चाहता हूं, मैं रायबरेली का सांसद हूं मगर जो मैंने आपसे कहा था, जो भी रायबरेली में होगा वो अमेठी में भी होगा।